हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक तकनीकी विश्लेषण श्रृंखला में, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। दोस्तों, आज कमोडिटी सेक्शन में हम कमोडिटी के टेक्निकल्स पर आज एनालाइज करेंगे 19 जुलाई 2019 को वीक की समाप्ति हुई और आज है दोस्तों 20 जुलाई 2019। एंड दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन को कॉमेक्स पर, गोल्ड के प्राइस चार्ट पर। कॉमेक्स एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है और इसके ऊपर में हम इसे इंटरनेशनली इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या गोल्ड में चमक आने वाली है एक लंबे समय तक। और इसके बाद हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में भी जो प्राइस का मूवमेंट है वो इंटरनेशनल प्राइसिंग के हिसाब से ही होता है। केवल एक जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो यूएस डॉलर आईएनआर के जो एक्सचेंज प्राइस होती है उस पे। और हमने यूएस डॉलर आईएनआर का जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस इस चैनल पे उपलब्ध है और उसमें जो टेक्निकल के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो सिनेरियो इमर्ज हो रहा है दोस्तों, तो उसके हिसाब से यूएस डॉलर आईएनआर के 68 रुपीस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना नहीं नजर आती है और अभी फिलहाल वो करीब 68.7 और 8 के आसपास में रन कर रहा है। तो दोस्तों, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर में गोल्ड की डॉलर के टर्म्स में एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होगी। इसे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और ताकि हम इसमें क्या गोल्ड में चमक आने वाली है ये जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर में मुझे कई रिक्वेस्ट आई थी कि गोल्ड के बारे में एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करके व्यू के लिए एक वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को ये हिंदी में बनाया जा रहा है, इसके तत्पश्चात सेम वीडियो को इंग्लिश में भी प्रस्तुत किया जाएगा दूसरे सेशन में। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों, केवल सब्सक्राइब करने से पर्पस पूरा नहीं होगा, आपको बेल आइकन को भी एनेबल करना होगा सारे नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम एनालिसिस की शुरुआत करें इसके पहले आपसे अनुरोध किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से पढ़ लें दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम गोल्ड के प्राइस चार्ट पर कॉमेक्स के ऊपर में एनालिसिस की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला, हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लेने की कोशिश करेंगे गोल्ड के प्राइस एक्शन पर। एंड दोस्तों, ये गोल्ड फ्यूचर्स का करंट कॉन्ट्रैक्ट है और ये कंटिन्यूअस चार्ट है कॉमेक्स के ऊपर में। दोस्तों, अगर हम इस प्राइस चार्ट को ध्यान से देखें तो ये 6 मंथली टाइम फ्रेम में है। सिंस हमें एक लंबे अवधि के लिए अपना ओपिनियन बनाना है, तो हम शुरुआत करेंगे हायर टाइम फ्रेम से और उसको फाइनली नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को भी समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये 6 मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट है और एक होलिस्टिक व्यू अगर हम इस पर ध्यान से देखें दोस्तों, तो दोस्तों ये गोल्ड का जो प्राइस चार्ट है, ये पहले जुलाई 1976 से लेकर ये एक इसमें पैराबोलिक राइज हुआ था जो चला था जनवरी 2000
जनवरी 1980 तक, और उसके बाद हम देखें यहां पर तो एक डीप करेक्शन हुआ था। मैं इसे ऑब्जर्व करने के लिए इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है, ये सभी जानते हैं। और डाउ थ्योरी के हिसाब से इवन प्राइस एनालिसिस, प्राइस एक्शन और उसी का एक हिस्सा है और वही मेथड हम अपनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखें एक डीपर करेक्शन हुआ था और ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था जुलाई 1980 और ये फाइनली चला करीब 2 सालों तक और ये हम देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन। इसके बाद आप देखिए कि ये जो इसने इस जगह पे हाई बनाया था जो 1980 में, ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस साबित हुआ और हम देख सकते हैं कि इस जगह पे प्राइस ने कई बार रिजेक्ट किया इस जगह पे और ये रेजिस्टेंस को फाइनली तोड़ के गोल्ड ने एक ब्रेकआउट दिया जुलाई 2007 में। और हम सभी जानते हैं कि जुलाई 2007 के बाद गोल्ड में एक मासिव रन आया और हम ये देख सकते हैं गोल्ड ने कंटिन्यूअसली हाई बनाया। और इसके बाद अगर हम इसे थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो इम्पॉर्टेंट यहाँ असेस करने का, इस ब्रेकआउट के बाद में ये एक 6 महीने तक गोल्ड ने पुल बैक लिया और ये पुल बैक जो हुआ इसने कुछ नहीं किया, ये पिछला जो रेजिस्टेंस था एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं गोल्ड ने एक नई ऊंचाई तय की 2011 में ये, और उसके बाद गोल्ड में एक डीपर करेक्शन की शुरुआत हुई। और दोस्तों अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है दोस्तों कि फिलहाल अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहां पर सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम कर रही है और ये वैलिड है जुलाई 2006 से। अब दोस्तों आगे अगर हम इसे देखें तो गोल्ड ने ये डीप करेक्शन करने के बाद इसने इस टाइम फ्रेम में ईएमए 21 के ऊपर में सपोर्ट लिया है और इसके बाद ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जिस कैंडल की शुरुआत हुई जनवरी 2016 में और यहां पर हम देख सकते हैं एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्म हुआ और ये अभी दर्शा रहा है कि जो इस कैंडल में जो जुलाई 2015 से कैंडल स्टार्ट हुई थी उस कैंडल का जो लो है वो शायद गोल्ड का रीसेंट बॉटम बन गया। और इसके बाद इसने देखिए एक नैरो रेंज में, हम यहाँ देख सकते हैं ये नैरो रेंज क्या है, पहले इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जो अभी बात की हमने $700 के आसपास प्राइस थी और इसके बाद ये नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा और 1360 के आसपास एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया। लेकिन दोस्तों ये कैंडल ने क्लोजिंग बेसिस पर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ये कैंडल जो है जनवरी 2019 में चालू हुई जिसकी क्योंकि ये 6 मंथ्स का चार्ट है दोस्तों तो जिसकी समाप्ति जून 2019 में हुई। तो इस कैंडल ने क्लियरली ब्रेकआउट दिया और अभी फिलहाल ये 6 महीने की जो कैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है जो दिसंबर 2019 में जाके होगा। तो दोस्तों ये कैंडल ओपनिंग एंड क्लोजिंग अभी भी इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है। तो हम ये इन बोल सकते हैं 1350 से 1360 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और ये प्राइस एक्शन दर्शा रहा है कि प्रोबेबली इसमें एक मेजर अपस्विंग हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक करने की बात करें क्योंकि जब हम एग्जॉस्टिव एनालिसिस कर रहे हैं तो हम कई एंगल से इसे एनालाइज करेंगे। तो हम यहां देख सकते हैं ये राइस के बाद में एक मेजर पुल बैक जो हुआ था वो कैंडल है जो जुलाई 2008 में चालू हुई थी। तो हम इसे इंपल्सिव वेव मानेंगे, प्रीवियस इंपल्सिव वेव। तो यहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे और इसके हाई तक को खींचेंगे।
हम दोस्तों यहाँ देखते हैं कि 61.8% जो गोल्डन रेशो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, उसके आसपास ही इसने सपोर्ट लिया है जो एक कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है इस ट्रेंड लाइन का और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल का। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये जब क्लियरली एक अक्यूमुलेशन फेज नजर आता है जहां पर ये वॉल्यूम में हम सब्सटेंशियल राइज देख सकते हैं कंटिन्यूअसली जैसे जैसे प्राइस आगे मूव कर रही है, और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इस ब्रेकआउट कैंडल पे भी काफी वॉल्यूम में सर्ज हुआ है। अब दोस्तों हम चलते हैं मंथली चार्ट पर। ये दोस्तों मंथली चार्ट है गोल्ड का कोमेक्स के ऊपर में। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो जो ट्रेंड लाइन हमने मंथली चार्ट पे खींची ये होल्ड कर रही है, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, और यहां पर हम देखें ये रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस किया था कई नैरो फॉर्मेशन के बाद में ये फाइनली इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। और ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है जो हुआ है जून 2019 में, और करंट मंथ की जो कैंडल है जुलाई 2019 की कैंडल, वो दोस्तों ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रही है। पहला चार्ट फॉर्मेशन अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें दोस्तों तो पहला चार्ट फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो रेजिस्टेंस लाइन है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है इस पे जिसको ब्रेकआउट हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन है जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो एक असेंडिंग ट्रेंगल का ब्रेकआउट क्लियर कट दिखाई देता है। अब दोस्तों अगर इसे और क्लोज ऑब्जर्वेशन करें तो मैं आपको एक पैटर्न खींच के दिखाता हूं। तो दोस्तों प्राइस ने यहां से यहां पे करेक्शन किया, इसके बाद प्राइस ने राइज किया, फिर प्राइस ने ये हेड का फॉर्मेशन किया, प्राइस ने फिर यहां पर राइज किया, और राइज करने के बाद ये राइट शोल्डर बनाया। सो दोस्तों लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। सो दोस्तों ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट है। तो जब हम चार्ट में देखते हैं तो मल्टीपल एंगल से हमें समझ में आता है कि कुछ हो रहा है इस गोल्ड के प्राइस एक्शन में। सो नंबर वन, ये की रेजिस्टेंस एरिया जो था गोल्ड का जो 1360 के आसपास था उसको क्लियर कट डिसाइसिव ब्रेकआउट किया। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है दोस्तों, इसके नेक लाइन को हम देखें इसको ब्रेकआउट दिया। अब नाउ दोस्तों ये असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है। इसके अलावा 61.8% हमने डिस्कस किया जो गोल्डन रेशियो है, तो कई कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है जो इसको इस दिशा में दर्शा रहे हैं कि गोल्ड में एक मेजर रिवर्सल होने की संभावना नजर आ रही है। अब दोस्तों हम यहां पे देखें कि जब ये ब्रेकआउट हुआ हेड एंड शोल्डर का, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, आप जो भी बोलना चाहें, तो ये देखिए वॉल्यूम में एक मेजर सर्ज इन द वॉल्यूम देखा जा सकता है जो इस ब्रेकआउट को कंफर्म करता है दोस्तों। इसका तात्पर्य ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ये ब्रेकआउट हेड एंड शोल्डर का, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का होता है तो प्राइस की एक बार टेंडेंसी होती है कि वो रिट्रेस होके नेक लाइन को टेस्ट करती है। इसका तात्पर्य यह है कि आज की डेट में ये नेक लाइन जो है वो करीब 1340 के आसपास में है। सो प्राइस हो सकता है अपसाइड मूव करने के बाद एक रिट्रेस करे, और प्रॉब्ली वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी उस जगह पे इसमें फिर से एंटर करने का लॉन्ग साइड ट्रेड में। तो दोस्तों ये सारे प्राइस एक्शन के बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं रीसेंट प्राइस एक्शन को। अब दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में क्या देखते हैं, क्लियर कट गोल्ड अप ट्रेंड में है, प्राइस SMA 233 के ऊपर ट्रेड हो रही है, SMA 89 जो है SMA 233 के ऊपर है, EMA 21 EMA 55 के ऊपर है। इसका मतलब इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों क्लियर कट बुलिश व्यू दर्शा रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम यहां पर प्राइस एक्शन की और बात करें रिसेंट प्राइस एक्शन की, तो दोस्तों हम यहां पर देखते हैं कि प्राइस अभी रिसेंट टाइम में इस रेंज में
मैं लाइन खींचता हूं दोस्तों, आप देखिए ये रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, ये इसका ब्रॉडर रेंज है, और ये जो रेंज इमर्ज होकर आ रहा है 1388 से लेकर ये रेंज आ रहा है 1422 का रेंज। तो इस रेंज में कंसोलिडेशन किया है इसने, और ये करीब ईएमए 21 के पास में आके ये रिवर्सल दिखाता है। बट रीसेंट प्राइस एक्शन जो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ करेक्शन की संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता है अगर हम इस प्राइस एक्शन को देखें। बट ये जो है, ये पर्टिकुलर एरिया जो बैंड है 1388 से लेके 1422 का जो बैंड है, ये जो बैंड है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंड बोल सकते हैं, और इस बैंड के तहत ही ईएमए 21 भी फॉल कर रहा है दोस्तों। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होलिस्टिकली अगर व्यू करें। अब हम रीसेंट प्राइस एक्शन पे एक ट्रेंड लाइन खींचने की बात करते हैं, तो दोस्तों अगर हम इसे देखें तो ये ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। हम मल्टीपल प्राइस को यहाँ पे देख सकते हैं, सपोर्ट ले रही है, और दोस्तों इसका मतलब ये है, ये ट्रेंड लाइन ईएमए 21 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ईएमए 21 की जो वैल्यू है वो 1400 के आसपास है। तो दोस्तों ये जो बैंड है ये क्रिटिकल बैंड है, जब भी प्राइस इस बैंड के अंदर में आकर रिवर्सल दिखाती है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में लॉन्ग टर्म में। अब हम इसे चलते हैं लॉन्ग टर्म व्यू की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम इसमें मंथली चार्ट पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइम फ्रेम में अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से देखते हैं कि इसका टारगेट क्या आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से हम मेजर करेंगे, ये नेक लाइन तक, और इसे प्रोजेक्ट कर देंगे ब्रेकआउट पॉइंट से दोस्तों। तो ये हमने इसे प्रोजेक्ट कर दिया दोस्तों, और ये वैल्यू जो आ रही है दोस्तों $1700 गोल्ड की प्राइस आ रही है, मींस आज से जो प्राइस अभी चल रही है उसे $300 का अपसाइड इसमें यहां पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं अगर सिक्स मंथली चार्ट में, जहां से हमने एनालिसिस की शुरुआत की, और अगर हम इसको इस जगह पे ध्यान से देखें, मैं सारे ड्रॉइंग को रिमूव अभी करता हूं, और इस जगह पे अगर हम फिबोनाची एक्सपेंशन का इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि ये सारी एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर हम देखें कि ये पिछली इंपल्सिव वेव थी जो यहां तक गई, और इसके बाद में ये करेक्टिव वेव थी जिसने यहां करेक्शन लिया। तो इसमें पहला टारगेट जो आ रहा है दोस्तों $1835 का आ रहा है, एंड दोस्तों इसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ गोल्ड गोइंग अप टू $2300 ऑन कॉमेक्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बिकॉज अगर आप इसे गौर से देखें दोस्तों तो जिस तरह का फॉर्मेशन यहां पर हुआ था, और इसके बाद लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड ने एक मासिव रन दिया था, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन हम ईएमए 21 के पास में देख सकते हैं, और ये रिवर्सल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गोल्ड एक बहुत लंबे रन के लिए तैयार हो चुका है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है, ये एनालिसिस पसंद आई है, तो दोस्तों इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे इसे शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सकें। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य एंड पर्पस पूरा नहीं होगा दोस्तों, आपको बेल आइकन को सारे नोटिफिकेशन के लिए एनेबल करना होगा, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग
देखने के लिए धन्यवाद।